Hey guys, this is Kuldeep and you watching UPSC Library. So, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इसराइल और पैलेस्टीन के बारे में. सो इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो काफ़ी सालों से चल रहा है, काफ़ी हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट है जो कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पर इम्पैक्ट डालता है. सो पहले तो जानेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में, जो इस कन्फ्लिक्ट की जो हिस्ट्री है तो उसके बारे में, और सो इसमें जो दो ग्रुप हैं हमास और फतेह, तो उनकी भी उनके बारे में जानेंगे. सो इनका जो ग्रुप है, सो इन दोनों ग्रुप का जो रोल, इन दोनों का रोल क्या है इसमें, इसराइल और पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में. देन इसमें यूएसए और प्लस अपने इंडिया का स्टैंड जानेंगे इन दोनों के में. सो जानेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है इसराइल और पैलेस्टीन को देखते हुए, और प्लस यूएसए का भी जानेंगे कि आखिर कैसे यूएसए इसराइल का सपोर्ट करता है और पैलेस्टीन का सपोर्ट करता है. यह है वर्ल्ड मैप. सो वर्ल्ड में पहले देखेंगे कि इसराइल की पोजीशन इंडिया के बिहाफ में क्या है. सो ये है इंडिया. सो इंडिया के हम वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में ये आएगा वेस्ट एशिया. सो वेस्ट एशिया के बिल्कुल वेस्ट में यहाँ पर ये इस कंट्री, ये है कंट्री इसराइल, इसको इसराइल बोलते हैं. सो इसराइल के नॉर्थ में है सीरिया और ईस्ट में है इराक. इराक के बाद फिर यहाँ पर है साउथ में सऊदी अरेबिया, देन यहाँ पर इजिप्ट आ जाए साउथ में, और यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर है डेड सी. इस दूसरी इमेज में पता चलेगा आपको. सो इस दूसरी इमेज में देखो, यहाँ इसराइल के नॉर्थ में लेबनन भी है, सीरिया है, जॉर्डन वेस्ट में, इसके बाद इराक आ जाता है, देन इसराइल के यहाँ पर इजिप्ट आ जाता है, यहाँ सऊदी अरेबिया आ जाता है, और यहाँ पर ये है डेड सी. इस चीज़ को याद रखना, डेड सी ड्यू टू द हाई सैलिनिटी. सो यहाँ पर लोग डूबते नहीं है, मतलब बहुत ही मुश्किल से डूबते हैं इसी चीज़ को, इसी वजह से लोग जो तैरते रहते दिखते हैं वो एकदम डेड बॉडी की तरह दिखाई देते हैं. सो इसी चीज़ की वजह से इसका नाम डेड सी पड़ा. सो इसको याद रखना. और ये है मेडिटेरियन सी, इस चीज़ को याद रखना, मेडिटेरियन सी. और यहाँ पर है ये पूरा इसराइल, ये लाइन दे रखी है. सो इसराइल में यहाँ पर इसके ऊपर डमास्कस एक इम्पोर्टेंट एरिया, इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना. और यहीं पर यह है गोलन हाइट्स, और यहाँ पर है जेरूसलम, पैलेस्टीन की कैपिटल जिसको अभी बोला जाता है. लेकिन यही इसी में विवाद है कि जेरूसलम इसराइल की बनाई जाए या कैपिटल की. इसराइल मानता है कि जेरूसलम ही कैपिटल, लेकिन इसराइल के साथ जिन कंट्रियों के रिलेशन है उनकी एम्बेसी इसराइल में तेल अबीब में है, जो कि यहाँ पर है. सो तेल अबीब में है बाकी इसकी बाकी इस कंट्री की एम्बेसी. बट कुछ साल पहले ही यूएसए ने अपनी एम्बेसी तेल अबीब से ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दी थी, जेरूसलम में. सो ये काफ़ी बड़ी हॉट न्यूज़ बन गई थी. सो इस चीज़ को याद रखना, और यहाँ पर सो इसी चीज़ को आप याद रखना. और ये है यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन लैंड. सो इसमें आपको और ज़्यादा क्लियर पता चलेगा. सो ये 1947 का मैप, तो इसमें पहले ये पूरा का पूरा पैलेस्टीन था, बट जैसे ही पार्टीशन प्लान आया तो ये इसराइल और पैलेस्टीन दोनों डिवाइड हो गए. सो ये जो वाली ये लैंड है ये तो अब इसराइल, और देन ये जो ग्रीन वाली लैंड है उसको बोलते हैं पैलेस्टीन. सो यहाँ पर ये है, यहाँ पर इसराइल की कैपिटल तेल अबीब, और यहाँ जेरूसलम जो कि यूनाइटेड नेशन मानना है जेरूसलम इसकी पैलेस्टीन की. देन इसके बाद 1949-96 में कुछ वॉर होती है, तो उस वॉर के बाद इसराइल कुछ एरिया कैप्चर कर लेता. सो आप देखोगे यहाँ जब ये गाजा स्ट्रिप थी या गाजा पट्टी जिसको बोलते हैं, काफ़ी आगे जाके कितना कम हो गया. सो ये देखोगे ऐसे ही वेस्ट बैंक वाला भी, जहाँ पर ये जेरूसलम है वो भी काफ़ी कम हो जाता है. ये चीज़ को आप देखोगे जो कि पैलेस्टीन का जो लैंड है. देन इसके बाद जो अब प्रेजेंट डे में है इसराइल, अब काफ़ी इतना बड़ा, और जो पैलेस्टीन है वो कुछ कुछ हिस्सों में ही बट के सीमित रह गया, मतलब लिमिटेड है कुछ कुछ लैंड लैंड के जो उसमें. सो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ये गाजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है. इसी को आप याद रखना, ये प्रेजेंट डे का मैप है, ये यूनाइटेड नेशन का है. सो आप यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं. और आप यूपीएससी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी. सो ये जो चिन्ह है, ये जो मतलब ये है, इसको बोलते हैं स्टार ऑफ डेविड, जो कि ज्यूइश लोगों का काफ़ी उनका जो रिलीजन है उसमें ये सिंबल है उनका, इसको बोलते हैं स्टार ऑफ डेविड. इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. इसके बाद है जेरूसलम, जो मैंने बता रहा था जेरूसलम जो मैंने दिखवाई थी. तो जेरूसलम क्या है, जेरूसलम एक सिटी है डेट स्टेटेड द बॉर्डर बिटवीन इसराइल एंड द वेस्ट बैंक, मतलब इसराइल और वेस्ट बैंक के बॉर्डर पर ही सिचुएटेड है इस जेरूसलम सिटी. सो इट इज़ होम टू द सम ऑफ द होलीस्ट साइट इन द बोथ जुदाइज्म एंड इस्लाम, मतलब ज्यूस लोगों का जो रिलीजन है उसको जुदाइज्म बोलते हैं. सो ये ज्यूस लोगों का जो ज्यूस पीपल का ये रिलीजन है,
और इस्लाम, यहाँ पर इस्लाम जूदिज्म की और उन दोनों की जो होली साइट है वहाँ पर ये जो होली साइट है वो जेरूसलम है। सो इस चीज़ को याद रखना। सो बोथ इज़राइल एंड पैलेस्टीन वांट्स टू मेक इट देयर कैप द सॉल्यूशन टू द इज़राइल पैलेस्टीन। सो दोनों ही कंट्री मतलब बनाना चाहते हैं जेरूसलम को अपना एज अ कैप की तरह, मतलब एक इज्जत की बात आ गई, यूँ समझ लीजिए कैप। सो इसमें बताया, सो इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री जानते हैं। सो Jews have been persecuted throughout the history due to their religious belief and foreign culture. मतलब उनके जो religious belief थी और जो foreign culture थी वो बाकी Christianity से काफ़ी different थी, और जो foreign culture इसी वो काफ़ी different है। So इसी इसकी वजह से वो अपने history में इधर से उधर migration करते रहते हैं। So ऐसे ही टाइम आता है 1897 में, Jews started a movement, मतलब 1897 में जो Jews community वो एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, Zionist मूवमेंट। सो इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि टू एस्केप परसिक्यूशन एंड एस्टैब्लिश देयर ओन स्टेट इन देयर एंसेस्टर होमलैंड। मतलब एंसेस्टर होमलैंड कौन सा, इज़राइल। सो इज़राइल में अपना जो खुद का जो स्टेट, मतलब खुद का कंट्री इसमें एस्टैब्लिश करना है। इसका इस मूवमेंट का ये मतलब है, खुद का कंट्री मतलब जिसका नाम इज़राइल, जिसका होमलैंड है एंसेस्टर, वहाँ पर अपना खुद का कंट्री इस्टेब्लिश करना, इस मूवमेंट का ये ऑब्जेक्ट होता है। सो इसी चीज़ को देखते हुए द वर्ल्ड जेविनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड। सो ये वर्ल्ड जेविनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है टू एडवोकेट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज्यूज होमलैंड इन पैलेस्टाइन। सो चीज़ को ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। सो इस चीज़ को आप याद रखना। देन इसके बाद ये तो माइग्रेशन का और भी रीज़न है, और इसके अलावा एक और रीज़न ये है कि जो हिटलर जब हिटलर आता है तो काफ़ी मतलब मिलियंस ऑफ जो ज्यूज का वो एकदम मैसेकर कर देता है, जो एकदम क्रूशियल रोल का जो प्ले किया था, इसी चीज़ को देखते हुए काफ़ी सारे ज्यूज भी माइग्रेट कर देते हैं यूरोप से लेके कहाँ पैलेस्टीन में, जहाँ वो अपना कंट्री इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। सो ये भी हिटलर भी एक वन ऑफ द मेन मतलब मेन रीज़न है वहाँ का इनका माइग्रेशन के लिए। सो इस चीज़ को अब याद रखना। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है स्टार्टिंग होती है, मतलब कई काफ़ी साल पहले से स्टार्ट होनी है, लेकिन जब इसकी जो मेन जो एकदम क्या होते हैं प्रेशर जो पॉइंट होता है वो क्या उनसा होता है, वो ये होता है जो 1916 में पैलेस्टीन केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल आफ्टर द सिक्स पिकट एग्रीमेंट। सो एक एग्रीमेंट होता है ब्रिटिश और बाकी अदर फ्रेंड्स के बीच में, अदर भी कंट्रीज आती हैं उसमें, रशिया भी है। सो इनके बीच में एक सीक्रेट एग्रीमेंट होता है जिसका स्काइज पिकट एग्रीमेंट जिसको बोलता है। सो इस एग्रीमेंट के अंदर इसमें जो डिवीजन कर देते हैं, जो ओल्ड जो ऑटोमन एम्पायर है, जो टर्किस एम्पायर है, उसका डिवीजन कर देते हैं। सो इसमें इस पिक्चर में आपको पता चलेगा जो डिवीजन हुआ है। सो ये पूरा यहाँ पर इज़राइल है और ये पूरा काफ़ी सारा लैंड है। सो इस लैंड का पूरा डिवीज़न चलता है। सो ये वाला लैंड हो जाता है ब्रिटिश के कंट्रोल में, ये रशिया के कंट्रोल में हो जाता है, ये फ्रेंच के कंट्रोल में हो जाता है, ये इटली के कंट्रोल में हो जाता है, और ये इंटरनेशनल के कंट्रोल में आया। सो ऐसे ही काफ़ी सारे लैंड का इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो ये सीक्रेट डिवीजन हो गया, ये जो स्काई पेकट एग्रीमेंट जो हुआ है वो एक सीक्रेट एग्रीमेंट था। सो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर भी इज़राइल और पैलेस्टीन का इन्होंने वहाँ पर डिवाइड मतलब बंटवारा कर लिया बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ ब्रिटिश ने। सो एक प्रॉब्लम तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। सो इसी चीज़ को देखते हैं। सो जो सीड्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट वर लेड इन 1917। सो इसी चीज़ के बाद एक एग्रीमेंट ये हुआ, बट 1917 में एक चीज़ ये भी होती है कि वैन द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं आर्थर जेम्स वेलफेयर एक्सप्रेस्ड ऑफिशियल सपोर्ट ऑफ ब्रिटेन फॉर ज्यूज नेशनल होम। मतलब पहले तो उन्होंने वो एक एग्रीमेंट किया और उसमें बोला कि इसको हम पैलेस्टीन का वाला का पैलेस्टीन के उसमें साथ में, बाद में उन्होंने बोला कि जो उसको ज्यूज के जो पीपल को भी बोला कि हम आपका नेशनल होम बनाएंगे पैलेस्टीन में अंडर द बेलफोर डिक्लेरेशन में, जो बेलफोर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि हम ज्यूज के लिए वो एक नेशनल होम बनाएंगे पैलेस्टीन में जिसका नाम होगा इसराइल। सो द लैक ऑफ कंसर्न फॉर द राइट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन ज्यूज कम्युनिटी दैट इज द अरब लेड प्रोलॉन्ग वायलेंस। मतलब ये चीज़ किसको पसंद नहीं थी, अरब्स के पीपल्स को, ये अरब्स कंट्री हैं उनको पसंद नहीं थी ये चीज़। और ब्रिटिशर तो है ही कि ना तो वो पैलेस्टीन के साथ थे ना ही ज्यूज के साथ में थे। सो ये इन दो मिस मतलब क्रॉसिंग की वजह से या जो अपने ही उसमें वो लालच की वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई। सो ये इसका मेन रीज़न है। सो ये पिक मैंने आपको दिखाई दी। सो इसके बाद एक और रोल प्ले करता है नाजी जो कि हिटलर होता है। सो आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी इन 1930 द ज्यूज इन्फ्लक्स टू अ पैलेस्टीन। सो एकदम से बाढ़ आ गई ज्यूज की कि वो माइग्रेट करने लगेंगे पैलेस्टीन की तरफ, जब जर्मनी में पावर आ जाती है नाजीज की तो उनमें
बहुत बड़े नंबर पर, बहुत बड़े मास स्केल नंबर पर वो ज्यूस लोगों का मैसेकर होने लगता है, उनको बीच रास्ते में मारे जाते हैं या उनको गैस चैम्बर में, तो उनको गैस चैम्बर में डाल दिया जाता है उनको मारने के लिए। इसी चीज़ की वजह से ज्यूस इन्फ्लक्स टू पैलेस्टीन टू के मेजर टर्न विद द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देम रिसेटल फ्रॉम द यूरोप टू पैलेस्टीन, मतलब यूरोप से लेके पैलेस्टीन, मतलब यूरोप से लेके पैलेस्टीन तक वहाँ पे माइग्रेट करने लगते हैं और पैलेस्टीन में बस जाते हैं। इसी चीज़ की वजह से और पैलेस्टीन में ज्यूस लोगों की बाढ़ आ गई, मतलब माइग्रेशन स्टार्ट होने में बहुत लार्ज स्केल है। इस चीज़ को देखिए, अरब सोच द दिस इज थ्रेट टू द होम लैंड एंड दे फॉट बिटरली विद दैम, और अरब इस चीज़ को देखते हैं तो उनसे वो फाइट भी करते हैं। एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिमेंड एज ए म्यूट स्पेक्टर एंड वायलेंस रीच इट्स पीक, बट ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो से एकदम चुप की, मतलब एकदम चुपचाप ये सब चीज़ें देखते रहे एज ए म्यूटेटर इंस्पेक्टर की तरह, और वायलेंस अपने एकदम पीक पर चला गया था। ऐसी कंट्री, मतलब वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। सो अनेबल टू कंटेन अरब एंड ज्यूस वायलेंस, ब्रिटिश जो ब्रिटिशर है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी एकदम वो अरब और जो ज्यूस के बीच में जो वायलेंस थी उसको अनेबल थी, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए। सो ब्रिटिश जो ब्रिटेन है विदड्रॉ इट्स फोर्स फ्रॉम पैलेस्टीन, पहले तो अपनी उसने फोर्स है पैलेस्टीन से उन्होंने पहले विदड्रॉ कर लिया इन 1948 में, फिर लीव द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजॉल्विंग द कम्पीटिंग, मतलब अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो एकदम जो नई नवेली जो उधर यूनाइटेड नेशन उस टाइम जब बनी थी नई थी तो उसके पूरे कंधों पर लाभ मड़ी। सो इसमें फिर रोल आता है, मतलब इसमें से किसकी एंट्री होती है यूनाइटेड नेशन की। सो उस टाइम वो एकदम नई बनी होती द नई नवेली है। सो इस चीज़ को देखते हो द यूएन जिसको हम यूनाइटेड नेशन बोलते हैं प्रेजेंटेड ए पार्टीशन प्लान, तो तब वो एक पार्टीशन प्लान प्रेजेंट करती है टू क्रिएट इंडिपेंडेंट ज्यूस एंड द अरब स्टेट्स इन पैलेस्टीन। वो करती है क्या कि ज्यूस का भी एक स्टेट होगा प्लस पैलेस्टीन में जो अरब्स हैं उनका भी एक स्टेट होगा, तो सो दोनों के लिए अलग अलग कंट्री बना देती है जिसको पार्टीशन प्लान बोलते हैं। सो मोस्ट ज्यूस इन पैलेस्टीन एक्सेप्ट द पार्टीशन बट मोस्ट अरब डिड नॉट। सो इसमें क्या था कि ज्यूस जो थे पैलेस्टीन में वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, बट जो अरब थे उनको ये बात पसंद नहीं आती। सो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, सो इस चीज़ से यहाँ से स्टार्ट होती है अरब और इसराइल के बीच में या जो ज्यूस लोग हैं उनके बीच में वॉर स्टार्ट होती है। सो अरब और फाइट्स अगेंस्ट द इसराइल, सो इस चीज़ को देखते हैं। अरब सॉ द क्रिएशन ऑफ इसराइल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू मूव देम आउट ऑफ देयर। सो जो अरब जो पार्टीशन प्लान जो आया था उसको एक तरह से अपने कॉन्स्पिरेसी देखता है कि हमें अपनी लैंड से बाहर निकालने का। सो कंसीक्वेंटली इन 1948 द अरब स्टेट्स जो थी इजिप्ट थी जॉर्डन थी इराक थी सीरिया थी वो इसराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देती है। सो जब वॉर डिक्लेयर होती है, बट इससे पहले जब वॉर डिक्लेयर कर देती है, सो इस चीज़ में इंडिया का क्या रोल है। सो अर्लियर पहले तो इंडिया ना इसमें इसराइल को पहले तो रिकॉग्नाइज नहीं करता, बट बाद में 1950 में वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है। सो इस चीज़ को याद रखें, इंडिया पहले तो डिनाई करता है बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है या उसको इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है। सो इस अरब वॉर के बारे में देखते हैं। सो एट द एंड ऑफ द वॉर इसराइल, सो जब ये वॉर ख़त्म होती है तो पता चलता है कि इसराइल कंट्रोल अबाउट 50% मोर टेरिटरी। सो ये जॉब मतलब सॉरी ये जो वॉर स्टार्ट की थी अरब ने ताकि वो लैंड ले सके इसराइल से, बट उसका उल्टा हो गया, इसराइल ने उल्टा उनसे लैंड ले लिया और 50% से ज़्यादा और लैंड उसने कैप्चर कर लिया बाकी अरब कंट्रीज से। सो 15% मोर टेरिटरी देन ओरिजिनली इन्विजन बाई यून, मतलब इन्विजन जो यूनाइटेड जो यूएन का पार्टीशन प्लान था उससे ज़्यादा 50% और ज़्यादा लैंड ले लिया, और जो जॉर्डन का जो कंट्रोल था जो वेस्ट बैंक पर जेरूसलम होली साइट एंड इजिप्ट का जो कंट्रोल आ गया गाजा स्ट्रिप, मतलब जॉर्डन कंट्रोल किस पर आ गया वेस्ट बैंक पर आ गया जेरूसलम पर आ गया और इजिप्ट का कंट्रोल आ गया गाजा स्ट्रिप पर। तो इसमें ये हुआ कि इसका रिजल्ट था 50% लैंड उसको मिले इसराइल को, गाजा स्ट्रिप पर किसका कंट्रोल आ गया इजिप्ट का, और जो वेस्ट बैंक का किसका कंट्रोल आ गया जॉर्डन का, ये रिजल्ट रहा इसमें। सो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वार लार्ज नंबर पैलेस्टीन आइदर फ्ली, और मतलब जो लार्ज नंबर पैलेस्टीन की जो पॉपुलेशन या तो वहाँ से चली गई या माइग्रेशन हो गया या फोर्स टू मूव आउट, मतलब एकदम फोर्सली उनका माइग्रेशन होने लगा इसराइल से एंड सेटल इन रिफ्यूजी, और वो सब रिफ्यूजी कैंप्स हैं इसराइल के पास में ही इसराइल के बॉर्डर के पास में ही वो वहाँ पर बसने लगे। सो इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द पैलेस्टीन रिफ्यूजी क्राइसिस, सो यहाँ से पैलेस्टीन रिफ्यूजी क्राइसिस
पैलेस्टीन रिफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट होने लगता है, विच अल्टीमेटली लेड टू क्रिएशन ऑफ ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ से क्रिएट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है जिसका नाम है PLO, जिसका नाम है PLO, जिसको बोलते हैं पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1964। 1964 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन होता है जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। सो इसके बाद एक वॉर होती है, सिक्स डे अरब इजरायली वॉर, बिकॉज वो पहली वॉर तो हार गए थे। सो वो अपना लैंड भी वापस करना है ना, लैंड भी वापस लेना, बिकॉज इसराइल ने 50% से ज़्यादा लैंड उसमें ले ली थी। सो इसी चीज़ को देखते हुए 1967 में सिक्स डे वॉर, मतलब 6 दिन की वॉर होती है अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच में। सो इसराइल लॉन्च ए प्रीमेटिव स्ट्राइक अगेंस्ट इजिप्ट सीरिया एंड जॉर्डन, मतलब इसराइल करता है एट द एंड ऑफ द सिक्स डे वॉर। तो इसराइल कैप्चर, इसमें क्या करता है इसराइल में और चीज़ उसको कैप्चर करता है, गोलन हाइट कैप्चर करता है सीरिया से, वेस्ट बैंक कैप्चर करता है और ईस्ट जेरूसलम कैप्चर करता है जॉर्डन से, देन सिनाई पेनिनसुला जो है और गाजा स्ट्रिप है वो किससे कैप्चर करता है, इजिप्ट से। तो इसमें लॉस हुआ अरब कंट्रीज़ का। सो इस सिक्स डे वॉर में इसराइल को और ज़्यादा लैंड मिल गया, वो गोलन हाइट्स मिल गई, वेस्ट बैंक मिल गया, सिनाई पेनिनसुला मिल गया, ईस्ट जेरूसलम मिल गया, गाजा स्ट्रिप भी इसराइल के पास में आ गई। सो इसके बाद द 1960 वॉर इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द टूडेज कन्फ्लिक्ट एज द इट लेफ्ट इसराइल इन कंट्रोल ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। सो ये जो सिक्स डे वॉर थी इससे पता, इससे भी एक रिजल्ट आता है कि जो जो लैंड थी जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप उसमें उसके ऊपर किसका कंट्रोल आ जाता है, इसराइल के ऊपर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के वक्त के लिए। सो टू टेरिटरीज जो कि लार्ज नंबर है पॉलिस, मतलब उस जो उन जो कंट्री में जो दो लैंड है उस पर पैलेस्टाइन के नंबर का मतलब पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और बट उस पर जो कंट्रोल किसका, इसराइल का। देन इसमें सो इसको देखो, सो जो बताए थे वो एकदम प्रेजेंट में अभी कहाँ है कितना है। सो ये वाला बेशक यहाँ पर पैलेस्टाइन की लोग रह रहे हैं बट इस पर जो अभी कंट्रोल है उसके टाइम में जब वो सिक्स डे वॉर के बाद में तो किसका कंट्रोल था, इसराइल का कंट्रोल। सो इसी सो इसमें दे रखा है इसराइल में, सो 1967 में। सो इस चीज़ को याद रखना। सो इसके बाद इन 1979 इसराइल और इजिप्ट साइन ए पीस ट्रीटी। सो इसराइल और इजिप्ट एक पीस ट्रीटी साइन कर लेती हैं अकॉर्डिंगली। इसमें क्या करता है, इसराइल रिटर्न कर देता है सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को 1982 में, सिनाई पेनिनसुला वो इसराइल रिटर्न कर देता है इजिप्ट को और इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट अरब नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इसराइल एज ए स्टेट। सो अगर इसराइल ने अपना इसराइल ने लैंड वापस किया है इजिप्ट को तो इजिप्ट भी कुछ करेगा। तो इजिप्ट ने क्या किया, इजिप्ट ने इसराइल को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया और इसराइल और जो इजिप्ट है वो फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट अरब नेशन बन जाता है जो इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेता है। सो एक काफ़ी बड़ी सक्सेस होती है इसराइल के लिए। सो इसके बाद फिर दो ग्रुप स्टार्ट, मतलब एक क्रिएट होते हैं जिसका नाम है हमास देन फतेह। सो इनके बारे में देखते हैं। सो इन 1987 में जो हमास जो कि एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है फॉर द लिबरेशन ऑफ द पैलेस्टीन थ्रू जिहाद केम इनटू एक्जिस्टेंस। सो एक हमास का क्रिएशन आता है, मतलब हमास एग्जिस्टेंस में आते हैं। इनका क्या है, ये रिफ्यूज़ कर देते हैं इसराइल को एज ए कंट्री मानना, मतलब एज ए कंट्री मानते ही नहीं है, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। और इट हैज़ रिसीव सपोर्ट फ्रॉम, और ये सपोर्ट किससे मिलता है, ईरान का और सीरिया से इसका सपोर्ट मिलता है। और जो फतेह हैं वो एज ए PLO के अंडर काम करते हैं अंडर द यासीर अराफत और रिसीव सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशन। सो इनको, सो हमास को किसका सपोर्ट मिलता है, हमास को मिलता है ईरान एंड सीरिया का, और फतेह को किसका मिलता है, वेस्टर्न नेशन जो हैं। सो इनको वेस्टर्न नेशन का सपोर्ट मिलता है। सो इस चीज़ को याद रखना। सो इसमें जो टेंशन क्रिएट होती है बाद में, सो द टेंशन बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन एस्केलेटेड विद द इसराइल कंट्रीज सेटलमेंट विद द वेस्ट बैंक एंड गाजा से। सो इन दो जगहों पर जो इसराइल का जब कंट्रोल आ जाता है तो वहाँ पर इसराइल अपने लोग भेजता है और वहाँ पर वो लैंड खरीदते हैं, मतलब लैंड में रहने लगते हैं। सो वहाँ पर जो लैंड पर जो अपना अपना जो सेटलमेंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। सो इस चीज़ को देखते हैं वहाँ पर और टेंशन एस्केलेट होने लगती है। सो पैलेस्टीन जो है लिविंग विद इन देयर वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप फॉर्मेटेड राइट्स, सो वहाँ पर फिर राइट्स होने लगते हैं इन 1967। सो इसी चीज़ को कहते हैं वहाँ पर जो राइट्स उगते हैं
वो जो 87 में 1987 वो आप होते हैं फर्स्ट इंटिफादा। सो इस फर्स्ट इंटिफादा का मतलब क्या हो, अपराइजिंग, मतलब राइट्स होने लगे हैं अपने राइट्स के लिए, राइट्स वहाँ पर होने लगे हैं। सो इसको बोलना फर्स्ट इंटिफादा। सो इसके बाद क्या होता है, ऑस्लो अकॉर्ड होता है। ऑस्लो अकॉर्ड साइन होते हैं इसराइल और PLO के बीच में। सो अंडर द ऑस्लो अकॉर्ड इसराइल एंड PLO एग्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ईच अदर, रिनाउंस द यूज ऑफ वायलेंस। पहले तो वो एक दूसरे को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, बाद में फिर वो मना करते हैं कि वायलेंस नहीं होगा, वायलेंस मतलब वायलेंस का यूज नहीं करेंगे। ये इन दोनों के बीच में ऑस्लो अकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये साइन वो हुआ था। सो द ऑस्लो अकॉर्ड ऑल्सो इस्टेब्लिश, मतलब इसके अलावा ऑल्सो क्या इस्टेब्लिश करता है, पैलेस्टीन अथॉरिटी। सो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें पैलेस्टीन में एक अटोनमी मिल जाएगी, बट वो जो अटोनमी होगी वो लिमिटेड अटोनमी होगी, मतलब उनको पावर तो दी गई है बट वो जो पावर है वो एक लिमिटेड पावर है। सो वहाँ पर जो गाजा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर लिमिटेड अटोनॉमी दी गई है पैलेस्टीन अथॉरिटी को। सो जो पैलेस्टीन को जो लिमिटेड पावर दी गई है, बट जो टेरिटरी है वो रिमेन अंडर द कंट्रोल, इसराइल के कंट्रोल में रहेंगे। पावर दी है बट लिमिटेड पावर। सो इस लिमिटेड पावर की वजह से वो जो पावर है वो किसके अंडर रहेगी, इसराइल के अंदर। सो ये इसमें पॉइंट है, सो इसमें याद रखना। देन इसके बाद होता है कैंप डेविड समिट। कैंप डेविड समिट जो कि 2000 में होती है, इसका क्या मेन ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें क्या हुआ, इट एम टू हेल्प टू साइड्स फाइनली एग्री टू सेटलमेंट बट द टॉक इवेंचुअली फेड। मतलब इसका भी यही है कि जो और जी चीज़ें हो रही हैं उनको और ज़्यादा आगे प्रोसीड किया जाए, बट फेल जो टॉक्स जो हो रही थी वो बिल्कुल फेल हो जाती हैं। सो द वॉलेंस लेड टू सेकेंड इंटिफादा। सो जो वॉलेंस फेल इसमें होते हैं इसको बोलते हैं सेकेंड इंटिफादा, जिसको अपराइजिंग बोला जाता है। सो इस चीज़ को आप याद रखना। तो इस सेकेंड वाले में क्या होता है, इसमें मोर वॉलेंट पैलेस्टीन अपराइजिंग, जो इसमें पहले वाले से और ज़्यादा होता है, स्टार्टेड एंड लार्ज नंबर ऑफ द सिविलियंस डाइड इन बोथ साइड। और जब ये पहले वाले से ज़्यादा होता है तो इसमें सिविलियंस लोग हैं दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनकी वो होती है फैटलिटीज। सो दिस इज नोन ऑल्सो एज द सेकेंड इंटिफादा एज ए डिफेंसिव मेजर। और इसराइल इसमें डिफेंसिव मेजर लेता है, कंस्ट्रक्ट ए वेस्ट बैंक बैरियर, मतलब एक बैरियर की मतलब एक वॉल क्रिएट करता है वेस्ट बैंक अलॉन्ग विथ वेस्ट बैंक टू सेपरेट इसराइल एंड पैलेस्टाइन सेटलमेंट। सब वो एक वॉल क्रिएट करता है ताकि जो इसराइल और पैलेस्टाइन का जो सेटलमेंट है उनके बीच में एक दीवार आ जाए, तो वो अपने लोगों को सेव कर सके, डिफेंसिव मेजर ले रहा है। सो इसराइल बिगिंस ए यूनिलेटरी विड्रॉल ऑफ ज्यूज फ्रॉम सेटलमेंट्स इन गाजा। तो गाजा से इसराइल ने अपने जो सेटलमेंट से वहाँ से विड्रॉल ले लेता। सो बट हाउएवर इसराइल कैप्ट टाइट कंट्रोल ओवर द बॉर्डर क्रॉसिंग, मतलब अपने विड्रॉल तो लेता बट जो बॉर्डर पर जो है अपनी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा रखता है। सो यहाँ पर थोड़ा ड्रॉबैक मिलता है इसराइल को। देन इसके बाद आफ्टर द जो ओस्लो अकॉर्ड जो हुआ था, ओस्लो नॉर्मी में है, इस चीज़ को भी याद रखना नॉर्मी है। सो ओस्लो अकॉर्ड जो होता है इसमें पैलेस्टीन अथॉरिटी को पावर दी गई। सो वाज क्रिएटेड लिमिटेड सेल्फ रूल पावर इन, मतलब इसमें बता दिया कि इसमें पैलेस्टीन अथॉरिटी को लिमिटेड पावर मिली थी। सो इसमें चीज़ की वजह से इस जो पैलेस्टीन को पावर मिली, सो इसमें चीज़ की वजह से जो हमास और जो फतेह हैं उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होने लगता है, बिकॉज पैलेस्टीन अथॉरिटी में दोनों का रूल होता है। सो बट द लिस्ट लेट डिस्प्यूट बिटवीन हमास एंड फतेह फॉर पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल का पावर की वजह से दोनों ग्रुप के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होने लगते हैं। सो हमास डू नॉट एक्सेप्ट द ओस्लो पीस अकॉर्ड, मतलब ओस्लो पीस को हमास एक्सेप्ट नहीं करता, जिसमें टू स्टेट पीस होता है, रेजोल्यूशन होता है, शांति होती है। दे वांट होल स्टेट, पर वो पूरा का पूरा स्टेट मानते हैं और दे कंट्रोल गाजा, और ये गाजा को कंट्रोल करते हैं। बाद में मैं मैप में दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। सो हमास इज सपोर्टेड बाई ईरान, ये मैंने पहले ही बताया। फतेह एक्सेप्टेड और फतेह जो है, फतेह ग्रुप है, वो ओस्लो अकॉर्ड को एक्सेप्ट करते हैं एंड नेगोशिएशन चाहते हैं और पीस शांति चाहते हैं। दे कंट्रोल वेस्ट बैंक, और वो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करते हैं। सो 2006 में फिर हमास वॉन्ट पैलेस्टीन इलेक्शन, जो हमास हैं वो पैलेस्टीन इलेक्शन को जीत देते हैं एंड इट इंटेंसिफाइड द टेंशन बिटवीन फतेह एंड हमास। तो इन दोनों के बीच में टेंशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है फॉर द पावर, मतलब पॉलिटिकल पावर के लिए। सो आफ्टर ए लॉन्ग आर्म स्ट्रगल, जो इन दोनों के बीच में आर्म स्ट्रगल होता है, 2011 में पैलेस्टीन राइवल फतेह एंड हमास साइन ए रिकॉन्सिलेशन पैक्ट। सो 2011 में काफ़ी ज़्यादा आर्म स्ट्रगल के बाद ये रिकॉन्सिलेशन पैक्ट साइन करते हैं दोनों। सो इसमें करेंटली जो अब जो गाजा है वो कौन कंट्रोल करता है, हमास, और जो पैलेस्टीन में जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक कौन कंट्रोल करता है, फतेह। सो चीज़ को याद रखना, जिसको नॉन प्रेजेंस ऑफ इजरायली सेटलमेंट भी वहाँ पर हैं। सो चीज़ को, सो ये किसके अंडर साइन होता है, रिकॉन्सिलेशन पैक्ट के अंदर। सो इस चीज़ को आप याद रखना। देन
इस मैप में आप थोड़ा देखो, इसमें पता चलेगा। सो ये हो गया गाजा सिटी या गाजा स्ट्रिप। तो इसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? हमास के कंट्रोल, मतलब हमास के द्वारा। और ये हो गया वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक किसके कंट्रोल किया जाता है? फतेह के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सो इसमें ये है, और ये तेल अवीव तो पता ही है कि इज़राइल की कैपिटल है। यहाँ पर जेरूसलम हो गया, सो ये वेस्ट बैंक, देन जॉर्डन सीरिया। सो इसी तो मैंने बताया दिया था। सो इसके बाद पैलेस्टीन अथॉरिटी प्रेसिडेंट जो हैं महमूद अब्बास अपॉइंट से न्यू गवर्नमेंट इन राम अला जो वेस्ट बैंक में है, विच इज़ क्विकली रिकॉग्नाइज बाय द यूनाइटेड नेशन। मतलब जो फतेह के जो हैं पैलेस्टीन अथॉरिटी है वो अपनी गवर्नमेंट बना रही। सो जो गवर्नमेंट बहुत ही जल्द यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन, उनके द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है। सो यूनाइटेड नेशन में 2012 में उनको और ज़्यादा अपग्रेडेशन मिलती है। और इसके अलावा क्या मिलता है अपग्रेडेशन में क्या मिलता है? पैलेस्टीनियन को रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है यूनाइटेड नेशन में एज ए नॉन मेंबर ऑब्जर्व स्टेट। सो इस मूव की वजह से पैलेस्टीन को एज ए नॉन मेंबर भले ही मिलता है, लेकिन वर्ल्ड में उसको एज ए रिकॉग्निशन मिलती है इसराइल की तरफ। बेशक इसराइल इसमें काफ़ी ज़्यादा आ गया है, बट पैलेस्टीन अभी स्टार्ट तो कर रहा है। सो इस चीज़ को याद रखना। देन इसके बाद इसमें क्या होता है कि व्हाट डज इसराइल वांट। सो एक पूरे वॉर में जो हुआ, जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इसमें इसराइल पूरा चाहता क्या था? तो पहले तो मेन था कि वो सोवनिटी चाहता जेरूसलम के ऊपर, ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ द इसराइल एज ए ज्यूइश स्टेट। पहले तो जेरूसलम के ऊपर अपनी सोवनिटी चाहता है। दूसरा वो चाहता है कि इसराइल को एज ए ज्यूइश स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज करे। दैन जो राइट ऑफ द रिटर्न ऑफ पैलेस्टीन है, जो पैलेस्टीन के जो रिफ्यूजी हैं वो सिर्फ पैलेस्टीन में ही वापस आए जाए, ना कि इसराइल में। सो ये भी उसका दूसरा पॉइंट है इसराइल का। पहला जेरूसलम के ऊपर, दूसरा ज्यूइश स्टेट, तीसरा पैलेस्टीन जो वापस जा रहे हैं वो सिर्फ पैलेस्टाइन में ही जाए, ना कि इसराइल में। सो इस चीज़ को याद रखना। देन इसमें पैलेस्टाइन क्या चाहता है? पैलेस्टाइन का भी सेम ही है, पैलेस्टाइन वांट्स इसराइल टू होल्ड ऑल एक्सपेंशनरी एक्टिविटी। पहले तो वो चाहता है कि इसराइल की जो भी एक्सपेंशनरी एक्टिविटीज है पहले उनको बंद करे, एंड रिट्रीट, और जो 1967 का जो मैप है जो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉर्डर को रिट्रीट करे। पहले तो पैलेस्टाइन का ही है। सेकेंड, इट वांट एस्टेब्लिश ए सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट। मतलब वो ये पूरा स्टेट चाहता है पैलेस्टाइन इन द वेस्ट बैंक एंड द गाजा विद द ईस्ट जेरूसलम एज कैपिटल। ये भी जेरूसलम चाहता है। दैन थर्ड इज पैलेस्टाइन वांट्स पैलेस्टाइन रिफ्यूजी हु लॉस्ट देयर होम इन 1948 बी एबल टू कम बैक, एंड पैलेस्टाइन वांट्स ईस्ट जेरूसलम एज ए कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट। वो चाहते हैं कि जो रिफ्यूजी उनको वापस लाया जाए और जेरूसलम को कैपिटल बनाया जाए पैलेस्टाइन का। ये भी ये सेम चाहते हैं। सो इस पर ग्लोबल स्टैंड क्या है, मतलब बाकी अदर कंट्रीज क्या इसमें अपना रिएक्शन देती हैं? सो इसमें ये है कि 83% ऑफ द वर्ल्ड कंट्री, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो 83% है, मतलब पूरे वर्ल्ड में 83% जो कंट्रीज हैं वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती हैं इसराइल एज ए सॉवरेन स्टेट। मतलब वो इसराइल को एक कंट्री मानती है, बट इसके अलावा एक मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इट, और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बनाती हैं। बट इसके साथ साथ सेम टाइम पर बाकी कंट्री सिंपैथी चाहती है, मतलब सिंपैथी दिखाते हैं पैलेस्टाइन को। मतलब एक तरफ वो इसराइल को भी सोवरेन स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरी तरफ वो पैलेस्टाइन को एज ए सिंपैथी भी दिखाती हैं। ये है ग्लोबल स्टैंड। देन इसके बाद इसराइल को कुछ फ़ायदा भी हो इसमें। सो बिकॉज जो एक तो पहले इजिप्ट ने सबसे पहले गल्फ नेशन थी उस, मतलब अरब नेशन थी, सबसे पहले इजिप्ट ने इसराइल को एज ए ऑफिशियल मतलब कंट्री की तरह रुक रहे हैं। उसके बाद अभी 2020 में यूएसए इलेक्शन से पहले, मतलब यूएसए इलेक्शन से पहले टू गल्फ नेशन जिनका नाम क्या है बहरीन प्लस यूएई, वो इसराइल को एज ए रिकॉग्नाइज कर लेती है कंट्री, वो भी व्हाइट हाउस में। तो ये काफ़ी बड़ा, मतलब इसमें इसराइल का फ़ायदा होता है। सो इसमें दो कंट्री, बिकॉज दो अरब नेशन जो दो हैं गल्फ जीसीसी काउंसिल की जो मेंबर हैं वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वो काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है इसराइल को। सो इसमें यूएसए का क्या रोल होता है? बिकॉज यूएसए काफ़ी कभी कभार तो इसमें लगता है कि क्लियरली वो इसराइल के साथ है, बट कभी कभी लगता है वो पैलेस्टीन के साथ है। सो यूएस हैड बीन प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल एज ए मीडिएटर द इसराइल पैलेस्टाइन, जो इसराइल पैलेस्टाइन के बीच में मीडिएटर की तरह काम तो करता है, बट हाउएवर इट क्रेडिबिलिटी एज ए मीडिएटर क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन की जाती है पैलेस्टाइन के बारे में। मतलब वैसे वो मीडिएटर की तरह रोल प्ले करता है, बट पैलेस्टाइन ऐसा मानते नहीं है कि वो मीडिएटर की तरह रोल प्ले कर रहा है। सो द यूनाइटेड स्टेट्स
हैज बीन क्रिटिसाइज बाय ओआईसी, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट है यूएसए है, वो क्वेश्चन क्रिटिसाइज किसके बारे में, ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, बिकॉज पैलेस्टाइन जो है एक इस्लामिक कंट्रीज है एंड अरब ऑर्गेनाइजेशन जो है, और फॉर वोटिंग मोस्टली सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन क्रिटिकल फॉर इसराइल, मतलब जो इसराइल से रिलेटेड जो भी क्रिटिकल डिसीजन होते हैं तो उसमें वो वोट यूएसए करता है, यूएसए करता है किसके सपोर्ट में करता है, इसराइल के सपोर्ट में। सो इसी चीज़ को देखते हुए अरब नेशन जो है या अरब ऑर्गेनाइजेशन है या ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिटिसाइज करते हैं यूएसए को, बिकॉज और इसका एक मेन रीज़न ये भी है। सो इस चीज़ को आप याद रखना कि जो यूएसए है, यूएसए में सबसे यूएसए में ज्यूस हैं, इसराइल से भी ज़्यादा ज्यूस यूएसए में, और ज्यूस हैव ए सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर यूएस मीडिया एंड इकोनॉमी। सो यूएसए में इसराइल से ज़्यादा ज्यूस तो यूएसए में रहते हैं, और प्लस जो यूएस मीडिया और इकोनॉमी है वो कंट्रोल की जाती है ज्यूस के द्वारा। इसका एक एग्जांपल ये ले लीजिए, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो एक ज्यूस हैं, तो इससे आप पता चल जाएगा, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएसए में यूएस मीडिया और इकोनॉमी कितना ज्यूस का कंट्रोल होता है। देन इसके बाद यूएस जो इसराइल है $3-3 billion की एड मतलब प्राप्त करता है, मतलब पाता है यूएसए से, मतलब इसराइल रिसीव अबाउट $3 billion इन डायरेक्ट फॉरेन असिस्टेंट ईच ईयर, हर साल, विच इज रफली 1/5 ऑफ द अमेरिकाज एंटायर फॉरेन एड, फॉरेन बजट, मतलब अमेरिका जो हर साल जो बाकी कंट्रीज को एड देता है उसका 1/5, तो जिसका जो 3 billion है वो सिर्फ इसराइल ही पाता है। सो इसी से आपको पता चलता है। देन जो सेकेंड टर्म थी जो ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एक ईरान न्यूक्लियर डील आई थी 2015 में, जो कि काफ़ी अगेंस्ट में थे, एकदम अगेंस्ट में थी इसराइल के। सो इट इरिटेट इसराइल एंड इट क्रिटिसाइज द यूएस फॉर द डील। सो इसमें इसराइल उसको इरिटेट होता है और क्रिटिसाइज करता है यूएस को 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम। बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बने, सो उसने सबसे पहले उन्होंने तो सबसे पहले ईरान जो न्यूक्लियर डील थी उसको ख़त्म करा। सो ये एक इसराइल के एकदम फेवर में डिसीजन था। सो द इलीगल सेटलमेंट बाय इसराइल इन द वेस्ट एंड बैंक और गाजा में भी सीधा, और उसके बाद जो वेस्ट बैंक और गाजा में जो इलीगल सेटलमेंट थे वो और ज़्यादा इंक्रीज होने लगे। सो इस चीज़ को भी याद रखना। सो इसी से पता चलता है कि यूएसए का जो स्टैंड है इसराइल के फेवर में काफ़ी ज़्यादा है। सो अब इसमें यूएसए का देखें तो इसमें इंडिया का क्या फेवर स्टैंड होगा। सो इंडिया का तो मैं इंडिया में इसका जो फेवर है, इंडिया का जो स्टैंड है वो काफ़ी मिक्स्ड आता है। सो पहले तो इंडिया रिकॉग्नाइज कर लेता है इसराइल को 1950 में, बट ऑल्सो द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन लिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरफ तो इंडिया इसराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, दूसरी तरफ वो पैलेस्टाइन जो PLO है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी रिकॉग्नाइज कर रहा है एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टाइन, जो पैलेस्टाइन का सोल रिप्रेजेंटेटिव की तरह। सो दोनों तरफ इंडिया का रोल रहा। देन उसके बाद इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टाइन 1988। सो दोनों तरफ ही इंडिया का रोल रहा। सो इसमें मिक्स रिएक्शन आता है इंडिया की तरफ से दोनों के लिए। सो फार इसमें बोला जाता है कि सो फार इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेंटेन द इमेज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल मोरल सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड एट दैट सेम टाइम, मतलब सेम जगह मतलब सेम टाइम पर ही एक साथ टू इंगेज इन द मिलिट्री इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद इसराइल, मतलब एक तरफ तो वो पैलेस्टीन के साथ है इसराइल, मतलब इंडिया के बारे में बोला कि एक तरफ तो पैलेस्टीन के साथ है, दूसरी तरफ वो इसराइल के साथ इंडिया इकोनॉमिक मिलिट्री और जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है और इंक्रीज किया जाता है। ये इंडिया का स्टैंड है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।